हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं 13 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इस्लाम इन हिंदी। इस्लाम के बारे में 13 फैक्ट्स है इसके अंदर। देखिए, हमने इस वीडियो को मतलब इस तरह की वीडियो पहले भी ऑलरेडी की हुई है, 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड ये, लेकिन इसके अंदर 13 फैक्ट मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में बता दिए गए हैं। तो डेफिनेटली इस्लाम के वो फैक्ट होंगे जो बारीक से बारीक होंगे, छोटे से छोटे होंगे, जो लोग ज़्यादा जिन पे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, लोग वीडियो लंबा या बड़ा करने के चक्कर में मेन फैक्ट को भूल के, छोटे फैक्ट को भूल के बड़े फैक्ट को पकड़ के लंबा करती है उन्हें खींच के। लेकिन ये 3 मिनट की वीडियो है मात्र, इसलिए हमने इस वीडियो को चुना है। 13 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ये, और 13 फैक्ट सिर्फ 3 मिनट में बता देना, मतलब बारीक जो और वीडियोस में नहीं बताए जाते इस वीडियो के अंदर आपको जरूर मिलेंगे सुनने के लिए। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखना हमारे साथ, एंड में हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपसे बात करेंगे। और हमें बताना कि आपको वीडियोज हमारी कैसी लग रही है, आप इसको पसंद आ रही है, लाइक करना इस वीडियो को, एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके ब्रदर, आप भी मत भूलिए। दुनिया में जीने का सबसे बेहतर उसूल है जियो और जीने दो। दुनिया का हर धर्म इस बात को मानता और सिखाता है। इसी तरह इस्लाम धर्म में भी कई ऐसी बातें हैं जो इस धर्म को मजबूती प्रदान करती है। आइए जानें इस्लाम के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो बेहद कम लोग ही जानते हैं। 1. अल्लाह को 99 नाम है और हर नाम का अलग मतलब है। जैसे अल रहमान का मतलब है सबसे दयालु, अल हफी का मतलब है सबका रखवाला आदि। 2. हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को ईद मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है। 3. हजरत मोहम्मद साहब पर जो अल्लाह की पवित्र किताब उतारी गई है वे है कुरान। अल्लाह ने फरिश्तों जिब्राइल के मार्फत पवित्र संदेश सुनाया। कुरान को नाजिल हुए लगभग 1400 साल हो गए, लेकिन इस संदेश में जरा भी रद्दबदल नहीं है। 4. अधिकतर मुस्लिम अरब लोग नहीं होता, दुनिया के केवल 15% मुस्लिम ही अरब हैं। 5. सभी अरबी मुस्लिम नहीं हैं, अरबी लोग ईसाई, बौद्ध, यहूदी, एथेस्ट भी हैं। फिर भी इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश का नंबर आता है। 6. अल्लाहू अकबर का मतलब है अल्लाह महान है। मुस्लिम लोग अपने दुख दर्द और चिंताएं मिटाने के लिए ऐसा कहते हैं। जो व्यक्ति मुसलमान नहीं है वे इसका अर्थ लगा सकता है कि ईश्वर महान है। 7. हिंसा इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम का मतलब है शांति और लोगों को इसका पालन करना चाहिए। इस्लाम मानवता पर आधारित है और मोहम्मद साहब ने तो उन लोगों को भी प्यार किया जिन्होंने उन पर कचरा फेंका था। 8. आप जानकर हैरान होंगे कि मरियम का नाम जितना बाइबल में लिखा है उससे कहीं ज्यादा कुरान में लिया गया है। 9. मोहम्मद साहब इस्लाम के अंतिम धर्मगुरु हुए। उनका आदर सबके मन में है लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती है। यदि अल्लाह के अलावा कोई किसी और की पूजा करता है तो उसे पाप सम्मान समझा जाता है, जिसे शिर्क कहा जाता है। मक्का और मोहम्मद दोनों को इस्लाम में बहुत माना जाता है लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती है। 10. ईसाई धर्म के बाद इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है। 2050 तक यह ईसाई धर्म के बराबर हो जाएगा। 11. हजरत मोहम्मद का जन्म 570 में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद को 680 में मक्का के पास हीरा नाम की गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12. मोहम्मद पैगंबर साहब के मकबरे के पास ही यीशु के लिए एक खास जगह है। ऐसा माना जाता है कि एक दिन यीशु आएंगे और उन्हें यहां दफनाया जाएगा। 13. इस्लाम में शराब और स्मोकिंग क्यों बंद है? इसका कारण है कि एल्कोहल और शराब एक धीमा जहर है और इस्लाम में आत्महत्या वर्जित है। जो भी आपको मांच सकती है इस्लाम उसकी आज्ञा नहीं देता है। ओके, लास्ट वाला काफी इंटरेस्टिंग था और बहुत सारे इंटरेस्टिंग है इसके अंदर यार। जैसे अल्लाह अकबर का नाम अल्लाह महान है, ये इसलिए बोला जाता है ताकि आप अपने दुख दर्द में, और लास्ट वाला कि इस्लाम में दारू और सिगरेट वगैरह क्यों मनाए। देखिए, किसी भी हर धर्म में मना है नशा करना, लेकिन आप देखोगे मतलब कि धीमा जहर है, और आत्महत्या करना कानूनी भी जुर्म है और ऊपर वाले के हिसाब से भी जुर्म है। मतलब आप आत्महत्या कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी देना हर तरह से इल्लीगल है। और ये चीज़ें कुरान में भी लिखी हुई है, कितनी मज़े की बात है। और इन्होंने हिंदू भारत की बात की है और इस्लाम कितनी तेज़ी से फैल रहा है इस बारे में बात की गई है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है यार, और बहुत अच्छी बात है। देखिए,
हमारे भारत में भी मुस्लिम्स और हिंदू सब मिलजुल के रहते हैं, और मुस्लिम्स हैं बहुत सारे जो कि बहुत ही प्यार से रहते हैं। और मैं बताऊँ बहुत सी जगह और देशों में या और कंट्रीज़ में, हर एक कंट्री में अलग अलग न्यूज़ चैनल होते हैं जो एक दूसरे के बारे में बुराइयाँ फैलाते हैं, लेकिन सच बात यही है हमारे कंट्री भारत में भी मुस्लिम्स हैं जो अच्छे से रहते हैं। कुछ नहीं है ऐसा कि कोई किस पे जुर्म कर रहा है, कोई किस पे, ऐसा कुछ नहीं होता, सब अच्छे से रहते हैं। तो वीडियो बहुत अच्छी लगी हमें, इंटरेस्टिंग फैक्ट बहुत अच्छी लगी। लाइक करना हमारी वीडियो प्लीज, और शेयर करना चैनल को, और सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।